हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषि आनंद है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है ई मैथ्स गुरु। तो आज की जो ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ एलजेब्रा के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इससे प्री में भी सवाल रहते हैं और आपके मेंस में ही सवाल रहते हैं। तो अक्सर क्या देखा गया है कि बच्चे इस टॉपिक से भागते हैं क्योंकि उन्हें वो समझ में नहीं आता, या ऐसे टीचर के पास पढ़े होते हैं जिनसे उन्हें वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है। तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपको इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो बहुत ही कम समय में आप इस सवाल को बना सकते हो, बहुत ही आसानी से। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, अगर आप उनको याद कर लेते हो, बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेते हो, तो किसी भी क्वेश्चन में आप वो फॉर्मूला को लगा के बहुत ही आसानी से किसी भी सवाल का जवाब निकाल सकते हो। तो कहीं कहीं पर मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, कहाँ पर कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं जब भी हमारे एग्जाम में सवाल ऐसे आएंगे। तब उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज ले लेते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से इसमें फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को आप पॉज करके आप इन सारे फॉर्मूलेज को लिख लेना, अगर आपके पास ये फॉर्मूलेज नहीं होंगे तो, और ये सारे फॉर्मूलेज को आप मेमोराइज कर लेना, जिससे इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस इसी में से रहते हैं, इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, इसी में से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। तो ये सारे फॉर्मूलेज को आप मेमोराइज कर लेना, इतना डिफिकल्ट भी फॉर्मूलाज नहीं है, आप इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना, फिर देखना आपके आपसे सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रखे हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और मैं जितने भी सवाल लूंगा सारे एग्जाम्स के ही लूंगा और कुछ नए सवाल भी लूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी वीडियो है। तो देखिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूलेज आ रहे होंगे। सबसे पहले मैं उसको आपको बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं। देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूलेज हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस उस टाइम क्या करा था हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। तो आज ध्यान देने की बारी है, आप सारे फॉर्मूलेज को अच्छे से ध्यान से याद कर लो तो आपको सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। जैसे कि आपको देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। काफ़ी सिंपल है, बचपन से देखते आ रहे आप लोगों, काफ़ी लोगों को ये फॉर्मूला याद भी होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगला है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक तो उससे रिलेटेड करके हम लोग लिख सकते हैं और दूसरा उसी में है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे भी इससे भी आ सकता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आओगे। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और है, नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब। ये काफ़ी लोगों को याद नहीं रहता है, तो इसको इसका क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट है उसी में माइनस में ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको और एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए, ये जो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं, क्योंकि ये जो दूसरा वाला जो है, जो इक्वल्स टू में करके लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये काफ़ी लोगों को याद नहीं रहता और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन रहेगा, आपको फॉर्मूला लिखा रहेगा, लेकिन आप अगर आपने अच्छे से अगर तरीके से याद नहीं किया है तो ये आपके सामने रहेगा, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाओगे कि इसका मतलब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारे फॉर्मूलेस को आप बहुत ही अच्छे से मेमोराइज करना। अगला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और उसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो वो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और आपने पॉज करके वीडियो को ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा। और भी फॉर्मूलेज हैं, वो आइए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट में क्या है, ये भी ये सारे जो इतने इसमें जो ऊपर के तीनों हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
तो पहला इसमें क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए दोनों ऊपर का और फर्स्ट और सेकेंड वाला जो फॉर्मूला कुछ उसमें अंतर नहीं है, बस एक जगह पे माइनस है और एक जगह पे क्या प्लस है। बस आप अगर एक को याद कर लेते तो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप माइनस वाला याद करते हो तो माइनस की जगह पे आपको क्या लिख लेना है, प्लस लिख लेना है, फिर उसके बाद आप आसानी से दूसरे वाले फॉर्मूले को भी उसका भी आप मालूम कर लोगे। तो नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट जो नेक्स्ट जो इसके इन दोनों के बाद जो थर्ड वाला जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसी में नीचे में एक कंडीशन लिख रखी गई है, कंडीशन क्या है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को अगर हम लोग 0 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन मिल जाता है इससे रिलेटेड, ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं किसी ना किसी आपको शिफ्ट में मिलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि अब शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो किसी ना किसी शिफ्ट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट के सेकंड लास्ट में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2A² प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB। तो ये सारे फॉर्मूलेज अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सारे फॉर्मूलेज आप पॉज करके लिख लीजिएगा वीडियो को, और इसको सबको आप मेमोराइज कर लीजिएगा जितना मैंने अभी आपको बताया है। तो आप जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी आसान तरीके से आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, विद इन अ टाइम कम समय लगेगा आपको। तो ये सारे फॉर्मूले आप मेमोराइज करते रहो, और ज़्यादा इसमें समय नहीं लगना है, आप स्टार्ट करो, धीरे धीरे सारे आपके याद हो जाएंगे। हर दिन अगर एक एक बार भी अगर आप इसको याद करके लिखते हो अपने मन से तो सारा याद हो जाएगा, इतना काफ़ी मुश्किल नहीं है ये फॉर्मूलास याद करना। तो अब हम लोग एक एक करके करके क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं इन सारे फॉर्मूलेस को कैसे इसमें हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे कैसे लगेंगे क्या लगेंगे। तो चलिए अपने हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, पहला जो सवाल है, पहले सवाल में क्या बोल रहा है, इफ़ ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 14 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताया ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 7। और यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम लिख दिया है, लिखा हुआ हमारे पास प्रॉब्लम है, तो ए बी का वैल्यू निकालना है। ए बी का हम लोग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इससे भी दिक्कत होगी हमें, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए इसमें हम लोग प्रोसीड कैसे करना है, कैसे हम लोग समझ में आएगा कहाँ पर हम लोग क्या लगाएं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 7, तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोगों को अगर और यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखा है, ए 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं अगर हम लोग, कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 हो जाएगा, और ए टू द पावर 4 और सबका जो ग्रुप क्या है वो 14 यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि अगर हम लोग इसका अगर स्क्वायर निकाल लेते हैं, अगर होल स्क्वायर अगर निकाल लेते हैं तो हमें इसकी वैल्यू पुट करके हम लोग ए बी का वैल्यू हो सकता है कि निकाल ले। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोगों को इसको ऐसे लिखेंगे, हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 7 और ए बी को उधर ले जाते तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी, यहाँ पे प्लस ए बी था तो उधर चला गया, कितना हो गया माइनस ए बी। अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना करेंगे, ए माइनस सेवन इंट सेवन माइनस ए बी का होल स्क्वायर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी। बस इसी तरह इस चीज़ को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ देंगे इसी फॉर्मूले में, हमारा जो पहला फॉर्मूला था उसी में इसको तोड़ देते हैं। तो इसको तोड़ते हैं तो कैसे हो जाएगा, ये ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 49 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 14 ए बी। देखिए जो हम लोगों को निकालना है ए बी, कुछ समझ लग रहा है हमें कि हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब ए बी को, ए बी की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो ए बी यहाँ पे एक अलग से आ गया है, तो ए बी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अगर इधर लेते आते हैं तो इसको और आगे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर इधर आता है तो कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ पे टू ए बी स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, अब 49 माइनस 14 ए बी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज, ये वाली जो वैल्यू है वो हमें दे रखी गई है, कितनी दे रखी गई है, 14 दे रखा है ना ये हमें, तो इस चीज़ को 14 को यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 14 लिख लिया, पुट कर लिया, अब आ गया यहाँ पे 49 माइनस 14 ए बी, हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो 14 ए बी को इधर ले जाइए और ये 14 को इधर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 49 माइनस 14। अब 14 ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 35, 49 माइनस 14 दैट इज 35, और ए बी बराबर फिर कितना हो जाएगा, 35 अपॉन में 14, और ये 7 से दोनों डिविजिबल है तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, तो ए बी बराबर हो जाएगा 5 अपॉन में 2। सो योर आंसर इज 5/2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था, जो भी ऑप्शन दे रखा था, चार ऑप्शन दे रखे थे, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, बस हमें ये चीज देखना है कि हम लोग कैसे इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हम लोगों ने इससे अंदाजा लगाया कि अगर हम लोग ए बी को उधर ले जाते हैं और स्क्वायर कर देते हैं तो ए टू द पावर 4 मेरा तो आ जाएगा, और उसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी गई है, बस उसी से लगाकर हम लोगों ने उससे से प्रोसीड किया, तो हमारा आंसर जो है बहुत ही आसानी से आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल क्या बोल रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज है, देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 4z इज, अज्यूम दैट एक्स वाई जेड आर ऑल रियल नंबर्स। क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन दे रखी गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस जेड, ब्रैकेट क्लोज है, माइनस 3। तो वहां पर आपको फिर वैल्यू क्या निकालना है, 2x माइनस 3y प्लस 4z की वैल्यू क्या होगी, और एक्स वाई जेड क्या है, ऑल रियल नंबर्स है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और सबसे पहले तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा, फिर उसको पुट करेंगे हम लोग जो जिसमें हम लोगों को निकालना है, 2x माइनस 3y प्लस 4z में, फिर जाके आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, इसको क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी गई है और हमसे पूछा क्या गया है, 2x 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया हमसे, ठीक है। तो यहां पे देखो एक चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3। तो यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, ये 2x हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से 2y हो जाएगा और यहाँ से 2z हो जाएगा, और यहाँ पर कितने
वन हो सकते हैं, यहाँ पे तीन वन हो सकते हैं, और यहाँ पे तीन वेरिएबल भी हैं। देख रहे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर सबसे टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, -2y हो जाएगा, -2z हो जाएगा, और यहाँ से कितने एक निकल सकते हैं, वन कितने निकल सकते हैं, तीन वन निकल सकते हैं। तो बस क्लियर है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको देखिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं। हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा, 2x - 2y -2z, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कितना है, -3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2x को इधर ला रहा हूँ, 2y को भी इधर ला रहा हूँ, 2z को भी इधर ला रहा हूँ, और ये जो -3 है उसको भी इधर ला रहा हूँ। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से लेते आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x प्लस 2y, और यहाँ पे आ जाएगा +2z +3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2x है जो x के साथ चला जाएगा, और यहाँ से एक 1 मैं लेते आता हूँ वो इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख लिया क्या, एक्स स्क्वायर, और 2x को इधर लेते आए 2x, और यहाँ से एक 1 को लेते आए तो 1, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर, अब यहाँ से फिर से वाई को लेते हैं तो 2y, और यहाँ से एक और 1 ले लेते हैं +1, फिर से +1 ले लिया। अब उसके बाद फिर यहाँ पर लिखते हैं जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर के बाद यहाँ पे लिखा +2z, और यहाँ से एक और आ गया 1, ये सब मिलके कितना हो गया, 0। सब देखिए यहाँ से 1 2 3 तीन यहाँ पे आ गया, 2x 2y 2z सबको हम लोगों ने वहाँ पे लिख लिया। सॉरी, ये जो है ये -2x है ना, यहाँ पे -2x होगा, सॉरी यहाँ पे -2x लिख लेते हैं। अब एक चीज देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, तो इसको हम लोग उसी फॉर्मूले में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर है ये, और फिर यहाँ पर है आपका 1y+1 का होल स्क्वायर, और इसी तरह ये वाला जो है, ये वाला कितना है, z+1 का होल स्क्वायर, ये सब कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। ये तीनों जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि x-1 भी कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, y+1 भी कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, z+1 भी कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सबकी वैल्यूज आ गई, तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज हम लोग निकाल लेते हैं। सबकी वैल्यूज कितनी हो जाएगा, x-1 कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। y+1 कितने के बराबर है, ये भी 0 के बराबर, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। उसी तरह z हो जाएगा -1 के बराबर, z इज इक्वल टू -1 के बराबर। ओके, तीनों की वैल्यूज आ गई। अब ये जो इक्वेशन आपको दे रखा था उसमें हम लोग पुट कर लेते हैं। तो 2x की वैल्यू कितनी है, 1, -3, y की वैल्यू कितनी है, -1, और +4, और z की वैल्यू कितनी है, -1। ये हो जाएगा 2 + 3 - 4, इन सबको सॉल्व किया तो हमारा जवाब आया 1। 1 इज योर आंसर। ऑप्शन हमारे पास थे पहले 0, 1, -1 और -2, तो हमारा जवाब कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ से हम लोगों को प्रोसीड करना था और देखना था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता तो आप तुरंत इस चीज को याद कर, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, तो आप तुरंत पकड़ सकते थे, क्योंकि ये जो है ये कितने बराबर है, x-1 के होल स्क्वायर के बराबर है, और ये y+1 का होल स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ तो ये चीज़ है ही। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी आसान। अगला जो सवाल है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला सवाल क्या है, इफ x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू ab√2, ab√2 है, देन फाइंड a^4 प्लस b^4 अपॉन में a² - ab√2 प्लस b². तो काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों ये, इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। देखिएगा एक एक करके इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन क्या क्या यहाँ पे दे रखा है। तो x बराबर दे रखा है, x बराबर है a² + b² और y बराबर दे रखा है ab√2। क्लियर है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है a⁴ + b⁴ अपॉन में है a²
ए स्क्वायर माइनस ए बी रूट टू और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने ये प्रॉब्लम लिख लिया है, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और वाई इज इक्वल टू ए बी रूट टू है, और इसकी वैल्यू निकाल ली ए टू द पावर फोर प्लस बी टू द पावर फोर और ए स्क्वायर माइनस ए बी रूट टू प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ए फोर और प्लस बी टू द पावर फोर है, तो यहाँ से हम लोग ला सकते हैं। अगर हम इन दोनों साइड को अगर स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एक्स बराबर क्या है इस प्रॉब्लम, इसमें आते हैं डायरेक्ट हम लोग, एक्स बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड को हम लोग बोथ साइड को क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर फोर प्लस बी टू द पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ए टू द पावर फोर प्लस बी टू द पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ सकता है ए टू द पावर फोर प्लस बी टू द पावर फोर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेते हैं माइनस टू ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज इसे आप ध्यान से देखिएगा, टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस, क्या हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं रूट टू ए बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और रूट टू ए बी कितना है, रूट टू ए बी को देखिए इस तरह से घुमा के दिया हुआ, तो रूट टू ए बी कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ए टू द पावर फोर बी टू द पावर फोर इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक तो आ गया हमारा ऊपर वाला आ गया, अब नीचे वाले के लिए, नीचे वाले के लिए भी देखिए बहुत काफी सिंपल, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है ये कितना लिख सकते हैं हम लोग एक्स, और ए बी रूट टू है तो इसके लिए कितना लिख सकते हैं हम लोग वाई। तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिखते हैं, यहां पर लिख लेंगे ऊपर में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग एक्स लिख लेते हैं, और माइनस में क्या आ जाएगा आपका ए बी रूट टू, तो ए बी रूट टू कितना है वाई है, यहाँ पे क्या लिख लिया हम वाई, तो ये लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई, ऊपर वाले को तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई, और नीचे में कितना दे रखा है एक्स माइनस वाई, ये दोनों कैंसिल हो गया, बच कितना गया एक्स प्लस वाई। सो दिस इज योर आंसर। तो काफी सिंपल प्रॉब्लम था ये, तो हमारा आंसर कौन सा होगा ए, ए क्या है हमारा पहला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो दोस्तों अगला जो सवाल है हमारा, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 19 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 19 दे रखा है, फिर उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ये सवाल को हल करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, अगर आप ये कंसेप्ट को अगर आप समझ जाते हो तो काफ़ी आसानी से इस सवाल का आप जवाब निकाल सकते हो। तो मैं जैसे यहाँ पे लिख रखा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी अगर आप अगर समझ में नहीं भी आती है आपको तो आप रिपीट कर करके आगे पीछे करके देख सकते हैं, तो वैसे आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो इस तरह का सवाल है आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने दे रखा गया है एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए दिए हुए, तो अगर हम लोग इसको दोनों को स्क्वायर कर देते बोथ साइड को, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड्स को हमने क्या करा है स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना लिख सकते हैं वन बाई एक्स का स्क्वायर इधर हो गया और इधर कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो इसको चलिए स्क्वायर करते हैं, तो इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस टू, ए कितना है यहाँ पर एक्स है और बी कितना है वन अपॉन एक्स है इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर। तो ये एक्स एक्स जो ये पार्ट कैंसिल हो गया और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये कितना बचा हुआ है टू बचा हुआ है। तो इसे स्टेप को लिख ही लेते, ये एक्स एक्स कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना लिखेंगे टू और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये टू किधर चला जाएगा इस साइड आ जाएगा,
मतलब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर इस वे में अगर आपको कुछ दिया गया क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट क्या करना, जो भी आपको दिया हुआ है उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसमें से कितना माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। तो आ जाते हैं दोस्तों, जो हमारा एक सवाल दे रखा था, जो सवाल था हमारा वो क्या था, एक्स प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 19, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 19 दे रखा है, और पूछा हमसे क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर। ठीक है, यही चीज पूछा गया हमसे। तो ये देखिए इसी फॉर्म में है, ए क्या है यहाँ पर, 19 ए है, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर का वैल्यू निकालना। मतलब क्या करना है हम लोगों को, इसका क्या करना है, 19 का स्क्वायर निकालना है और उसमें से क्या कर देना, -2 कर देना है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 19 का स्क्वायर 361 होता है, और माइनस में हमने क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया। 2 माइनस कर दिया तो कितना जवाब आ गया यहाँ पे, 359। तो 359 आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी कंसेप्ट पे ये चौथा वाला हमारा सवाल था, तो 359 इज योर। तो आइए दोस्तों अपना अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इफ एक्स माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 19, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है। तो हम लोग माइनस में देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को भी आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है कंसेप्ट में, एक्स माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू a। तो इसको फिर से हम लोग कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड में हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 बाई x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, -2 × x × 1 बाई x इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर, और ये -2 था उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2। सो दिस इज योर फॉर्मूला। अगर आपको जब भी दिया हुआ है इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, सीधा ए का क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे और उसमें 2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा जो पांचवा सवाल है वो भी यही है, एक्स माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 19, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर। मतलब क्या करना है, एक्स माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 19 दे रखा है, यहाँ पे 19 क्या है, ए ही। अगर ए से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए इज इक्वल टू कितना, 19 है। तो एक जगह पे पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा ना आंसर। तो कितना है भाई यहाँ पे, 361, और प्लस में 2, और 2 जब ऐड करें कितना हो जाएगा हमारा, 363। सो योर आंसर इज 363 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफी सिंपल था, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 363 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगला जो सवाल है हमारा वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या है अगला सवाल, इफ ए प्लस 1 बाई a माइनस 2 इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई a माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हमने जो अभी कंसेप्ट देखा उसी पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्लस 1 अपॉन a माइनस 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 4। क्या है ये, 4 के बराबर है। और पूछा क्या है, ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a माइनस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, एक काम करते हैं दोनों तरफ क्या करते हैं, -2 कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में a माइनस 2। ठीक है, दोनों तरफ -2 कर दे रहे हैं, और यहाँ पे 4 की जगह पे -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ में स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये देखिए फिर से उसी फॉर्म में आ गया, फिर से उसी फॉर्म में आ गया ना, तो स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर निकालेंगे और इसमें क्या करेंगे हम लोग, -2 करेंगे, यही है ना, a स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, दैट इज 2 इज योर आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, देखने में बस लग रहा था। तो आपका सही जवाब कौन सा है, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है,
इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 5। तो यहाँ पर काफी अच्छा सवाल है ये। इस सवाल से पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूँ, अगर आप वो कंसेप्ट अगर समझ जाते हो तो काफी आसानी से इस सवाल को भी आप बना सकते हो, ज्यादा दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। तो देखिए ये कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है तो दोस्तों ये कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। कंसेप्ट ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कंसेप्ट को देख लिया जाए। एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, क्यूब बोथ द साइड, दोनों साइड को क्यूब कर देता हूँ। तो क्यूब क्यूबिंग बोथ साइड हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो क्यूब किया हमने तो इसको कितना लिख सकते हैं, वन बाई वन अपॉन एक्स का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का क्यूब। अब इसका क्यूब अगर हम लोग करते तो कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सीधा सीधे हम लोगों ने ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ये एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3। अच्छा एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना है, ए है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3a इज इक्वल टू ए क्यूब। यहां से आ जाते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब, और ये 3a को इस साइड में लेते आते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे 3a। सो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितने के बराबर होगा, ए क्यूब माइनस 3a। तो यहां पर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना हो गया, ए क्यूब प्लस माइनस 3a। तो बाई दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट एनीथिंग, आपको जो क्वेश्चन है आप आसानी से उस चीज का आराम से सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। तो जैसे एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपको 4, और आपसे किसी ने बोल दिया कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इससे कंपेयर करेंगे, तो ए इज इक्वल टू कितना है, 4 है, तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा, ए का क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए, ए कितना आपका 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है यहाँ पे, 64 माइनस 3 4 12, दोनों को माइनस करा तो कितना हो गया यहाँ पे 52। सो योर आंसर इज 52। कितना आंसर आ गया इसका, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना होगा, 52 होगा। तो काफी सिंपल है ये, अगर आप ये कंसेप्ट को समझ जाते हैं, हमको अब डायरेक्ट ये चीज लगाना है, इतना कुछ नहीं करना आपको एग्जाम में, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ये चीज लगाएंगे आप, बस आपको ये मेमोराइज होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना होगा, ए क्यूब माइनस 3a होगा। तो आइए दोस्तों, जो हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल क्या बोल रहा है, इसको मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 4, देन एक्स टू द पावर 5 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू वॉट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई 5 वाला हम लोगों ने फॉर्मूला, हम लोग मैंने आपको जितना भी फॉर्मूला बताया था उसमें कोई 5 वाला कहीं कहीं नहीं था, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग इसका एक्स इसका क्यूब भी निकाल लें और इसका स्क्वायर भी निकाल लें, फिर उन दोनों को निकाल कर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स टू द पावर 5 भी आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे आता, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर वाला निकालते हैं, तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये ए है तो कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 2 दैट इज 14। ठीक है, एक बार इसका स्क्वायर कर लिए और दूसरी बार क्या करते हैं, इसका क्यूब कर लेते थे, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पर इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 64, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 माइनस में आ जाएगा 12। अब इन दोनों को हमने जब माइनस किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 52। सो 52 आ गया हमारा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 वाली वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब वन अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 52 इंटू 14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स टू द पावर 5।
और फिर एक्स क्यूब को इससे नीचे वाले से करा तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर क्यू, और नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते प्लस ये अब 1/x³ से इसको मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब, और फिर इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x⁵, और यहाँ पर होगा 52 × 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर में है, इससे एक कट जाएगा, यहाँ पे एक बच जाएगा, और इसे ये स्क्वायर में तो इससे एक पे यहाँ पर बच जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस एक्स प्लस 1/x, और वो क्या है हमारा 52 × 14। क्लियर है? अब x⁵ प्लस x⁵ और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x कितना है, 4 है ना, यहाँ पे 4 है गिवन है, और इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 520 प्लस 4 2 8, 4 5 20, 208। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x⁵ प्लस 1/x⁵ इज इक्वल टू, ये इसको ऐड कर देते 8 2 7, और ये 4 इधर आ गया तो माइनस में 4, और जब हम लोगों ने इसको माइनस किया तो यहाँ पे जवाब आता 724। सो 724 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, काफी सिंपल तरीका अगर आप इस तरह से प्रोसीड करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दो कंसेप्ट बताए हैं, एक बताया था स्क्वायर वाला और एक बताया था क्यूब वाला। अगर आप इसको डायरेक्ट अगर याद रखते हैं तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, a² - 2, और यहाँ पे कितना लेते हैं a³ - 2a। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन अगर आप इस तरीके से अगर प्रोसीड करते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना है, 724 इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। इफ x/x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना। तो काफी सिंपल सा सवाल है ये, बस देखने में ये टफ लग रहा है। अगर हम लोग इसको दूसरी नजर से देखते हैं, अगर अलग तरीके से देखते हैं तो ये काफी सिंपल सवाल है। तो एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को जब हम लोग लिखते हैं तो कितना हो जाए, एक्स और नीचे में x² - 2x + 1 इज इक्वल टू है 1/3। ठीक है, यही सवाल है। और पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 1, यही पूछा गया। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग उस फॉर्मेट में लाना, हम लोग x+1/x के फॉर्मेट में लाना है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज यही देख रहे हैं कि x+1/x हम लोग क्यूब निकालना है। तो अगर हम लोग को क्यूब निकालना है तो अगर हम लोग इस चीज को अगर x+1/x के फॉर्मेट में अगर लेते आते हैं, x+1/x के फॉर्मेट में अगर लेते आते हैं, तो ये सवाल फिर बन गया, फिर तो हमारे पुराने फॉर्मेट में ही आ जाएगा, तो काफी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे देखिए कि हम लोगों को इस सवाल को इस फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए एक काम करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लिख देते हैं और जो न्यूमरेटर में उसको नीचे लिख देते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे भी बदल जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x² - 2x + 1/x = 1/3, सॉरी 3/1। ठीक है ना, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब सब जगह से डिवाइड कर दीजिए, एक्स अगर यहां से डिवाइड होता है तो कितना बचेगा, x - 2 और + 1/x, और यहाँ पे हुआ 3। क्लियर है? अब ये 2 को उधर ले जाइए, तो x+1/x = 3 + 2 = 5, मतलब x+1/x कितना हो गया, 5 हो गया, और आपको निकालना क्या है, x³ + 1/x³। तो मतलब क्या करना है, ये क्या आपका a, अगर हम लोग मानते हैं a है तो x³ + 1/x³ हो जाएगा a³ - 3a। अभी हम लोगों ने कंसेप्ट में देखा था ना, ये वाला कंसेप्ट, तो यहाँ पर a कितना है, 5 है, तो कितना लिखेंगे हम लोग, 5³ - 3 × 5। ठीक है, 5³ कितना होता है, 125, और यहाँ पे 15। अब इन दोनों को माइनस करा तो यहाँ पर आ गया आंसर 110। तो 110 इज योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो का जो आखिरी सवाल है वो ये है, इफ x+1/x = 25 × 1/25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + x। तो इसकी क्या करनी है, हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। ये इस लेक्चर का अंतिम अंतिम क्वेश्चन है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, x+1/x = 25, 1/25। क्लियर,
और पूछा क्या गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वॉट। तो काफ़ी अलग सा क्वेश्चन है, पिछले अभी जितना हम लोगों ने देखा उसमें से उससे काफ़ी अलग है, उससे कहीं पे भी रिलेट नहीं हो रहा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बस आपको देखोगे तो आप इसका क्वेश्चन आंसर आराम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा गया है, एक्स प्लस वन बाई एक्स है, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 25 + 1/25 लिखा जा सकता है ना, इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे बात एक ही है, कुछ भी अंतर नहीं होने वाला। मतलब ये इस चीज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक चीज देखिए, इस इक्वेशन को और इधर वाली इक्वेशन को, LHS और RHS दोनों को कंपेयर कीजिएगा, LHS और RHS को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कीजिएगा, तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आता है, 25 आता, ठीक है ना। x यहाँ पे भी नीचे है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 25, x यहाँ पर भी है तो x इज इक्वल टू 25, दोनों जगह पे आपका क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, 25 होता है। बस हो गया, बस इस क्वेश्चन में आप पुट कर दीजिए, क्या पूछा गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पूछा गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 प्लस 25, और दोनों का ऐड करा तो कितना हो गया, 650। सो योर आंसर इज 650, 650 इज करेक्ट, योर करेक्ट आंसर। तो बस ऐसा लग रहा था, इसको देखने में बस डर लग रहा था, इस तरह से लिख के दे दिया गया था। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अलग करके लिखते और कंपेयर करते तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा एक्स इज इक्वल टू 25 है। बस उसको पुट करो आप और इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लो। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था, अदरवाइज ये क्या था, बहुत ही सिंपल था। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, और ये अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट था ये। आई होप कि आपको ये सारे, इसमें सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इसे, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अपने आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, जिससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा विथ शॉर्टकट ट्रिक आपको प्रोवाइड करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही बनाऊँगा एलजेब्रा के ऊपर। तो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।